हेलो गाइस, शाम का समय हो गया और अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी। ये मैंने कुछ अंडे ले लिए हैं और मैं इन्हें प्रेशर कुकर में एक ब्रिसल आने तक पकाऊंगी। ये देखिए, मैंने अंडे रख दिए, मैंने इसमें थोड़ा नमक डाल रखा है पानी में और ये थोड़ा पानी और ऐड कर देती हूँ। पानी डाल दिया, अब मैं इससे सीटी लगा देती हूँ। अब मैं इस कुकर को इंडक्शन पे चढ़ा देती हूँ। और जब तक अंडे बॉईल हो रहे तब तक हम प्याज व्याज काट लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2-3 प्याज, अदरक लहसुन, 2-4 लाल मिर्च और टमाटर। ये देखिए फ्रेंड, मैंने प्याज को फाइनली चॉप कर दिया है, लंबे लंबे स्लाइस में काटा है क्योंकि मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद इसे पीसूंगी। और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूंगी, जिससे खाना कम से कम ऑयल कम ऑयली बने। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। इसे हम ब्राउन होने तक पका। मैं इसके साथ लाल मिर्च भी डाल दूंगी जिससे वो भी फ्राई हो जाए। ये देखिए, मैंने इसमें 3 लाल मिर्च डाल दी, इसे भी चढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने लहसुन और अदरक भी डाल दिया है। और मैं इसे थोड़ा और ब्राउन होने दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं 4-5 दाने काजू के डाल देती हूँ। काजू से इसका जो ग्रेवी होता है उसमें बहुत अच्छा क्रीमी क्रीमी टेस्टर आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। और मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। अंडे हमारे बॉईल हो गए हैं, मैं उनको एक छन्नी में ठंडा करने के लिए रख देती हूँ कुछ देर के लिए। अगर ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मसाला है। और अगर आप इसे ज़्यादा चला नहीं सकते तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे ढक के रख सकते हैं। मैंने भी पानी डाल के इसे ढक के रखा था। और मैं इसमें थोड़े से ये धनिए के डंठल है, धनिया, हरा धनिया आता है ना, उसके साथ मोटा मोटा डंठल, ये मैंने काट के रख दिया है, इसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। मैं हमेशा इसका रीयूज़ ऐसे ही कर लेती हूँ, या कभी चटनी पीस देती हूँ या किसी ग्रेवी में पीस देती हूँ। ये देखिए, अब फिर से मैं इसे ढक्का लगा के रख दूँगी। देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, मैं थोड़ी देर और ढक्का लगा के इसे पकाऊँगी। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अंडे छील दिए हैं। अब हम अंडों को ऐसे कांटे की मदद से ऐसे अंडों में होल कर देंगे, ये फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये सारे अंडों में मैं ऐसे ही होल कर दूँगी। मैंने सभी अंडों को मैं होल कर दिया है। और ये देखिए तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें सारे अंडे डाल दूंगी। मैंने सारे अंडे डाल दिए हैं और मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूंगी क्योंकि अंडे चटकते हैं और तेल के छींटे मेरे ऊपर आएंगे, इसलिए मैंने अंडों में नमक डाल दिया है जिससे तेल के छींटे ना आए। अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी।
ये देखिए हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं, अब मैं इसे मिक्सी में जार डाल के पीस दूँगी। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, अब मैं ग्रेवी बनाऊँगी। ये देखिए हमारे अंडे भी फ्राई हो चुके हैं। फ्राई करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि अंडों को फ्राई करते टाइम उसमें नमक ज़रूर डालें, जिससे अंडे चटकते नहीं हैं और तेल के छींटे आपके ऊपर नहीं आएंगे। अंडे मैंने निकाल लिए हैं, अब इसी में मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। मैंने एक चम्मच जीरा डाल दिया है, इसमें मैंने एक तेज पत्ता भी डाल दिया है। अभी काफ़ी गर्मी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा गरम मसाले अवॉइड करूँगी। ये मेरा तेज पत्ता हो गया है, अब मैं इसमें जो हमने मसाले पीस के तैयार कर रखे हैं उसको डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसमें सारे मसाले डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा धनिया डालूँगी। मैं लाल मिर्च पहले ही डाल चुकी हूँ तो मैं इसमें डालूँगी नहीं। हमारे मसाले बनके रेडी हो गए हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध का क्रीम और थोड़ा कच्चा दूध डाल दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने कच्चा दूध डाल दिया, मैं इसे थोड़ा स्टर करूँगी। इससे हमारी ग्रेवी में थोड़ा थिकनेस आ जाती है और ग्रेवी थोड़ी क्रीमी क्रीमी अच्छी बनती है। और ये मैं थोड़ा डाल दूँगी इसमें दूध का क्रीम। ये देखिए इसमें मैंने मलाई डाल दी है, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये देख सकते हैं आप हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए। और ये इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, ये देखिए आप देख सकते हैं ग्रेवी बनके तैयार है। और ये तेल छोड़ने लग गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर ग्रेवी बनके तैयार हो रखी है और ये खाने में भी इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए खोलने लग गया, मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। ये देखिए मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। ये देखिए मैं इसे 2 मिनट और पकाऊंगी। ये हमारा अंडा करी अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और मैं लास्ट में इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी जो मैंने प्रेस करके रखी हुई है इसमें डाल दूंगी। ये देखिए और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट के डालूंगी। और आप देख सकते हैं ये है अंडा करी बनके तैयार हो गया। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, एक बार आप भी ट्राई करें। और आपको मेरी वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।